दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देखेंगे 8 फरवरी को आईपीओ में से किस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है अल्पेक्स सोलार आईपीओ। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इस आईपीओ में 2 लाख 2 लाख 25 हज़ार तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा। और साथ साथ में बात करेंगे राशि पेरीफेरल लिमिटेड आईपीओ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। ये तीनों आईपीओ कंटिन्यू चल रहे हैं और एक आईपीओ आज से स्टार्ट हो रहा है। किसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, किसके अंदर नहीं लेना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहा है। पेरीफेरल लिमिटेड आईपीओ के बारे में लाइव स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं इस आईपीओ का, क्योंकि आईपीओ फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। बात करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन की, तो क्यूआईबी इसके जरिए नहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के जरिए अभी तक करीब करीब 1% तक का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा था और अमाउंट भी करीब करीब 1,35,00,000 का लग चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2 टाइम ये आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन हो चुका है और 178 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिल रहा है। जो अबाउट 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, वो भी करीब करीब 1 टाइम और 3 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आ चुका है। बात करेंगे रिटेल की, रिटेल इन्वेस्टर भी इस आईपीओ के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। करीब करीब 1 से 1.5 गुना ये आईपीओ भी भर चुका है और सबसे ज़्यादा अमाउंट अभी तक इसके अंदर 310-311 करोड़ तक अमाउंट लग चुका है। ओवरऑल अगर आप टोटल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ 1 टाइम और करीब करीब 491 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी लगता हुआ देखने को मिला है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चलने वाला है इस आईपीओ के अंदर। फिलहाल अभी देखा जाए तो अभी तक इसका फर्स्ट डे कल था, कल सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ था और करीब करीब 1 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो आईपीओ के अंदर और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक करें। राशि पेरीफेरल लिमिटेड आईपीओ की डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए ये आईपीओ कल स्टार्ट हुआ था, कल इसका फर्स्ट डे था, आज इस आईपीओ का सेकंड डे। अक्सर वीडियोज़ में मैं बताता हूँ कि अगर रिटेल इन्वेस्टर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो सेकंड डे सुबह में 12 बजे से पहले वाले इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए और उसका थर्ड डे आखिरी दिन जो रहता है वो अक्सर क्यूआईबी इसका देखने को मिलता है। फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ का जो प्राइस है हाईएस्ट प्राइस बेट 311 रुपये पे आया हुआ है और 396 पे ट्रेड कर रहा है, यानी करीब करीब 27% तक की इस आईपीओ के अंदर हमको तेज़ी देखने को मिल रही है और इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 85 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिला। उम्मीद की जा रही है जब से ये आईपीओ आया हुआ है तब से कंटिन्यू इसके अंदर तेज़ी बनी हुई है और अभी भी ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है और इस आईपीओ से उम्मीद की जा सकती है कि ये आईपीओ भी हमको 40 से 50% तक का रिटर्न दे सकता है। जैसे भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर। डिस्कस कर रहे हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में। इस आईपीओ का भी फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया और अभी तक इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन आया वो देख लेते हैं, क्योंकि आज इस आईपीओ का सेकंड डे है। बात करें क्यूआईबीस का, यानी क्यूआईबीस का देखा है तो करीब करीब 14% ही सब्सक्रिप्शन आया है फर्स्ट डे और करीब करीब 15 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के जरिए करीब करीब ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 1 टाइम से ऊपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और 106 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है। जो अबव 10 लाख है, जो बिलो 10 लाख है, वो भी 1 टाइम और करीब करीब 1.5 गुना भर चुका है। बात करेंगे रिटेल की, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका भी इसके अंदर कोटा रखा गया और करीब करीब 1.5 गुना आईपीओ भी ये रिटेल के अंदर भरता हुआ देखने को मिल रहा है और अमाउंट भी करीब करीब 247 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। ओवरऑल अगर बात करते हैं इस आईपीओ की टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में तो फर्स्ट डे देखा जाए इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 96% करीब करीब 1 टाइम ये आईपीओ के अंदर भी सब्सक्रिप्शन आ चुका है और अमाउंट भी 374 करोड़ तक का अमाउंट भी टोटल लग चुका है इस आईपीओ का। आज सेकंड डे है, चलो इस आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि कल ये भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे था, आज भी इस आईपीओ का सेकंड डे। अक्सर वीडियो में बता रहा हूँ सेकंड डे अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है रिटेल तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन सेकंड डे कर देना चाहिए। फिलहाल आईपीओ की प्राइस 414 रुपये पे आया हुआ है और 469 पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। स्टार्ट में इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 26% तक का तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज इस आईपीओ के अंदर करीब करीब आधा हो गया, यानी करीब करीब इस आईपीओ के अंदर 13% तक की आईपीओ के अंदर करीब करीब 13% तक की तेज़ी देखने को मिली, यानी आईपीओ करीब करीब आधा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है। फिलहाल देखते हैं आज इस आईपीओ का सेकंड डे है, अगर मार्केट प्रीमियम में देखा जाए तो करीब करीब 55 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। चलो आईपीओ और भी का डिटेल अपडेट है साथ साथ में वो भी। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में, फिलहाल देखा जाए तो आज इस आईपीओ का सेकंड डे है और अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आया है वो देख लेते हैं। बात करेंगे क्यूआईबी इसके, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के जरिए करीब करीब 30% तक का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है और अमाउंट भी 31 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर करीब करीब 39% देखने को मिला और अमाउंट भी करीब करीब 30 से 31 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। जो अबाउट 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, उनका भी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है, लेकिन
खास बात करेंगे रिटेल की, क्योंकि हम जैसे आप जैसे जो कैटेगरी आती है वो रिटेल की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अभी तक 73% तक ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट भी 132 करोड़ तक का अमाउंट इसके अंदर रिटेल का लग चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट डे इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 53% तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, और अमाउंट भी 195 करोड़ तक का अमाउंट इसके अंदर लग चुका है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन इस आई पी ओ में देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखा है तो अगर डे बाई डे के बारे में बात करते हैं तो कल इस आई पी ओ का फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया करीब करीब 53% तक का। चलो इस आई पी ओ के अंदर आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आई पी ओ के डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में इसके अंदर जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखते हैं। आज 7 फरवरी 2024, और फिलहाल देखा जाए तो आज इस आई पी ओ का भी आज सेकंड डे है। 468 रुपये भी आई पी ओ हाइएस्ट प्राइस बैंड पे आया हुआ है, और आज के डेट में देखा जाए तो इस आई पी ओ के अंदर करीब करीब 8 से 9% तक की तेज़ी देखने को मिली, नहीं करीब करीब 468 रुपये का ये आई पी ओ 508 रुपये ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, यानी करीब करीब 40 रुपये का इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। स्टार्ट में जब इसका गिरे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ तो करीब करीब 10 से 11% पे ओपन हुआ था, लेकिन आज की डेट में करीब करीब थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली, जिसका असर आई पी ओ के सभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे देखने को मिला है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर भी करीब 10 से 20% तक की लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। अल्पेक्स सोलार इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा है तो ये आईपीओ आज से यानी 8 फरवरी है, आज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, और 12 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ज़बरदस्त ये आईपीओ है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर पे आ रहा है, और साथ साथ में जो आईपीओ की प्राइस बैंड रखी गई है 109 रुपये से 115 रुपये पर शेयर देखने को मिलेगा। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो डिटेल्स यही कहूँगा, जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 115 रुपीज़, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन लें, इसके अंदर 100% चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। और फिलहाल देखा जाए तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 1200 शेयर्स रखे गए हैं, टोटल इशू साइज़ करीब करीब 74 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसके अंदर पूरा की पूरा फ्रेश इशू देखने को मिलेगा 74 करोड़ 52 लाख का। और साथ साथ में बात करेंगे इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग की, तो एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखे गए हैं, और साथ साथ में क्यूआईबी का 50% कोटा है, और इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर का भी आ जाएगा, और साथ साथ में रिटेल का 35% है, और एचएनआईएस का इसके अंदर 15% कोटा रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल अपडेट है साथ साथ में वो भी देखेंगे। उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करते हैं। अल्पेक्स सोलार लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो आज से सगरे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो देखेंगे, क्योंकि आज से सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। आज 8 फरवरी 2024, आईपीओ की जो प्राइस है 115 रुपये पे आईपीओ अपना सब्सक्रिप्शन आ रहा है करीब करीब, और आज के डेट में करीब करीब 305 रुपये पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, यानी ये कह सकते हैं ये आईपीओ के अंदर स्टार्ट होने से पहले ही फर्स्ट डे ही इसके अंदर करीब करीब पैसा डबल से ट्रिपल होता हुआ देखने को मिला, यानी कह सकते थे आईपीओ के अंदर करीब करीब 3 गुना तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखा जाए तो 115 रुपये का ये आईपीओ 190 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला, और उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर भी करीब करीब 200% पे इसकी लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ नहीं, आज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आएगा डे बाई डे क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चढ़ता है वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलूँ।